चलिए सबसे पहले बात आज भीलवाड़ा की करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है। डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी का यह मामला है। चिकित्सक के घर में बम नहीं मिला है। देर रात तक बम निरोधक दस्ते ने चिकित्सक का घर खंगाला। डर के साए में चिकित्सक था, क्योंकि धमकी मिली थी बम से उड़ाने की। डॉक्टर नरेश खंडेलवाल कंसल्टेंट फिजिशियन है। बम निरोधक दस्ता मंगलवार देर शाम फिजिशियन डॉक्टर नरेश खंडेलवाल के घर पर मौजूद रहा, जांच जारी रही। खंडेलवाल को धमकी मिली थी। अज्ञात बदमाश ने धमकी देकर 50 लाख रुपया की फिरौती भी मांगी थी। देर रात तक बम निरोधक दस्ता मौजूद रहा, जांच जारी रही। ढूंढा गया बम, लेकिन बरामद नहीं हुआ। डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, नहीं तो 50 लाख रुपए की फिरौती बदमाश द्वारा मांगी गई है। हालांकि ये भी जांच का विषय है और नंबर ट्रेस किए जाएंगे। ये पता किया जाएगा कि आखिर कौन बदमाश था या फिर किसी की शरारत थी। आखिर किस वजह से डॉक्टर को डराया धमकाया गया है, उसके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी है और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। तो हालांकि डॉक्टर नरेश खंडेलवाल से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उसे भी जानना बेहद जरूरी होगा कि क्या उनकी किसी से रंजिश तो नहीं है, कोई पीछे कोई इस तरीके की घटना तो नहीं हुई है, क्या किसी पर शक है, क्योंकि किसी की शरारत भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे। भीलवाड़ा से संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, क्योंकि बम निरोधक दस्ता खाली हाथ ही गया है, क्या अभी भी वहां पर मौजूद है, एक बार फिर से जांच हो सकती है, या फिर अभी ये साफ कर दिया गया है कि कोई बम नहीं मिला, अब नंबर के आधार पर बदमाश की जांच होगी? बम निरोधक दस्ते ने भीलवाड़ा के आरसीव्यास कॉलोनी में डॉक्टर नरेश खंडेलवाल के घर को कम से कम भी 3 बार छान मारा। अगर जो डॉग स्क्वाड के साथ में जो बम निरोधक दस्ता आया था स्पेशल अजमेर से, उसको यहाँ पर कोई ऐसी अवांछनीय चीज नहीं मिली जिससे किसी तरह से जान माल का खतरा हो। उसके बाद में बम निरोधक दस्ता रात के विश्राम के लिए चला गया। और अभी जो अब पुलिस का जो पूरा एक जो नेटवर्क है वो पूरा उस पर फोकस कर रहा है। जिस तरह से कम भी रात को बताया था हमने फॉरेस्ट इंडिया ने, 40 से 50 ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जिनको खंगाला जा रहा है, किसने इस तरह की धमकी दी, और जो फोन डिटेल है इस फोन नंबर की जिस पर इस महिला ने फोन उठाया था, डॉक्टर की पत्नी ने जिसको सूचना दी थी, धमकी दी थी तो 50 लाख रुपए दो नहीं तो आपके मकान को उड़ा देंगे बम से, उससे भी अभी उस नंबर के आधार पर किसका फोन आया था और कोई कौन इसमें शामिल हो सकता है उस आधार पर पुलिस एक तरह से आधुनिक तरीका जो है उसके हिसाब से अब जाँच शुरू कर रही है। ठीक है, और डॉक्टर की तरफ से किसी तरीके की जानकारी मिल पाई है, उसे किसी पर संदेह है, क्या किसी की शरारत हो सकती है, क्या किसी के साथ रंजिश थी, कुछ ऐसा अपडेट? अभी तक तो जो कल रात देर रात तक जो सारा घटनाक्रम चला उसमें उसके बाद में ये बात प्राथमिक दृष्टया तो ये प्रथम दृष्टया तो यही लग रही है कि किसी न किसी सिरपिरी की शरारत थी, जिसके पास में उसके परिवार के नंबर थे, उसके लैंडलाइन फोन के नंबर थे, उसने शरारत की है। और अभी पर पुलिस इस मामले में अभी भी किसी तरह से ठीक है। नवीन, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए।